अच्छा तो ये बात है, लेकिन चले कोई बात नहीं, आजकल के जमाने में तो ये आम है, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया ये काम, मजबूरी थी आप, इसलिए कोई हर्ज नहीं। हर्ज तो है, ऐसा मत सोचिए। पापा चांद क्यों नहीं नजर आ रहा? बेटा भी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, देखो अभी द सन इज गोइंग डाउन राइट, तो अभी थोड़ी देर में नमूदार हो जाएगा और वहां कहीं से होगा। पापा आपसे एक बात पूछो। हाँ बेटा पूछो। हाजो और मामा कभी वापस नहीं आएंगे? हाँ बेटा अब मामा और हिजाब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप अपने आने के साथ खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपको हिजाब और मामा की बहुत याद आती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा मैंने तो कहा भी था हिजाब से, मैं चाहता भी था कि वो हमारे साथ ही रहे, लेकिन शायद उसे अपने मामा के साथ रहना था इसलिए वो चली गई। आप ठीक कह रहे हैं पापा। कब का खाके भी चला गया, आपने अभी तक खाने को छुआ भी नहीं। मेरा दिल नहीं चाह रहा है अभी, लेकिन हाँ ये खाना मेरे लिए रख देना, मैं सैरी में खाऊंगा। ये क्यों खाएंगे? मैं नया बना दूंगी ताकि आप गरम गरम खा सके। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यही खा लूंगा। मैं जैसी आपकी मर्जी। सुनो तुम रोजे नहीं रखती? मैं सानी। ओ सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि तुम। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर रोजे रखते हैं, क्या कहती हो? पहले भी नहीं रखती थी मुझे लगता है। एनीवे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आलिया ने जिस रकम का मुतालबा किया था उसका इंतजाम इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा, कुछ वक्त लगेगा। आप घर नहीं बेचना चाहते? नहीं बेचना चाह रहा हूं लेकिन कुछ वक्त लग सकता है। जितना भी वक्त क्यों ना लगे मैं इंतजार करने को तैयार। लेकिन अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता, मोहल्ले वाले मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे हैं, कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। आपको लोगों की इतनी परवाह क्यों है? मेरे साथ शादी करने के लिए अगर अब भी तुम्हारा वो मुतालबा बरकरार है कि मैं आलिया को तलाक दूं, तो जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं, आप मुझे जैसे भी रखेंगे। इब्राहिम
मम्मी आप और यहाँ इस वक्त? हाँ, तुमने तो मुझे बेचैनी कर दिया। क्या तुम ये घर बेचना चाहते हो? मैं क्या करूं मम्मी, मेरी मजबूरी है। हालिया की इजाजत के बगैर क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे वालिद ने ये घर उसी के नाम किया था? मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। तुम तो मेरा फखर थे, मेरा भी और उसका भी, जिसको तुम तलाक देने जा रहे। मैं ब्राह्मण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मेरा इब्राहिम तो बहुत नेक और ईमानदार था, ईमानदार अपने काम में भी और रिश्तों में भी। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया, बहुत शर्मिंदा किया। नहीं अम्मी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मत कहो मुझे अम्मी। गुड मॉर्निंग, आए नाश्ता करें। गुड मॉर्निंग, तुम कर लो, मैं रोजे से हूं। लेकिन आप तो सहरी में उठे ही नहीं थे। हाँ, वो मैंने अलार्म लगाया तो था लेकिन शायद वो बजा नहीं, इसलिए ना तो मैं सहरी के लिए उठ सका और ना ही फजर की नमाज पढ़ सका। ओह, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं आपको उठा देती। मेरी आंख खुली थी लेकिन फिर मैंने ये सोच के नहीं उठाया कि आप नाराज हो जाएंगे। ठीक सोचा तुमने। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बस ऐसी, रात को अम्मी को ख्वाब में देखा, वो घर बेचने पर काफी दुखी हो रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि। क्या फैसला किया? मैं ये घर नहीं बेचूंगा। सिर्फ एक ख्वाब की वजह से? आलिया को कैसे पैसे देंगे फिर आप? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश आपने वो जॉब ना छोड़ी होती तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट कभी भी लोन में नहीं मिलती। मेरे ख्याल से आपको जाके अपने बॉस से मिलना चाहिए, हो सकता है वो आपकी कोई मदद कर सके, आपको दोबारा जॉब दे दे।
जाओ कि अकाउंट्स में जाके अपना चेक ले लो। ठीक है, भेज दो। ठीक है, आप जाएं और मुझे तमाम रिपोर्ट दें और रिकवरी पर खास ख्याल रखें, समझे? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बैठो। कैसे आना हुआ? मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। इब्राहिम, एतराज तो मुझे पहले भी नहीं था। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें रिजाइन देने से मना किया था? जी सर, याद है। ठीक है, तुम दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, मैं आपका शुक्रगुजार रहूं। ब्रेन, जब से तुम गए हो ना, इस पोस्ट के लिए कई एप्लीकेशन आई लेकिन मैंने किसी को अपॉइंट नहीं किया। कहीं से मुझे अंदर से यकीन था कि तुम दोबारा वापस आओगे। तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। राइट सर। ठीक है सर, मैं चलता हूं। इब्राहिम, मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा तुम किसी प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन नहीं करोगे और ना ही मुझे तुम परेशान करोगे। जी सर, मैं वादा करता हूँ इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी नहीं बदला, तमाम मामलात उसी तरह चल रहे हैं। तुम्हें भी इस काम का हिस्सा बनना होगा और मुझे यकीन है कि तुम पहले की तरह अब सख्त भी नहीं रहे होगे। जी डोंट वरी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। गुड, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू हमदानी साहब। क्या हुआ, आप ही कहाँ जा रही हैं? कुछ जरूरी काम था, मैंने सोचा उसे निपटा कर आ जाऊं। अरे तो आप क्यों जहमत कर रही हैं, मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ। नहीं, तुम हिजाब का ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो ठीक है, लेकिन काम नहीं बताएंगी? मैं आयान को लेने जा रही हूँ। तो आपको लगता है वो आपको आयान से मिलने देगा? क्यों नहीं मिलने देगा, बेटा है वो मेरा। देखिए आप ही, मैं समझता हूँ कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ जाएं, ऐसे आप खुद को कमजोर जाहिर करेंगी। अरे कुछ दिन रुक जाएं, एक बार कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए ना तो कोई भी माई का लाल आपको अपने बच्चों से अलग नहीं कर सकता, खुद उन बच्चों का बाप भी नहीं। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मेरा आयान से मिलना बहुत जरूरी है। मैं देखना चाहती हूँ कहीं उसने जबरदस्ती तो नहीं आयान को रखा हुआ। हो सकता है कि हिजाब की तरह आयान भी मेरे साथ रहना चाहता, और अगर मैं आयान को लाने में कामयाब नहीं भी हो सकी तो कम से कम मैं बच्चे को देख ही लूंगी, उससे मिल लूंगी। कह रही हैं आप, वैसे आपकी मर्जी, तुम बस हिजाब का ख्याल रखना। जी बेहतर, लेकिन आपकी मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। तुम मेरी फिक्र मत करो। बात पूछूं, सच सच बताओगे? पूछे?
अगर तुम्हारी मामा तुम्हें लेने आई तो क्या तुम चले जाओगे? आप चलेंगे? नहीं। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें हाजू और मामा की याद नहीं आती? आती तो है, लेकिन पापा नहीं चाहते कि मैं उनके पास जाऊं। लेकिन आनी, मैं उनके पास एक दिन के लिए जा सकता हूँ। अगर तुम वहां गए तो वो तुम्हें रख लेंगे, वापस नहीं आने देंगे, और फिर मैं भी चले जाऊंगी। फिर तो मैं किसी भी कीमत में नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर अगर वो आएंगी ना तो मैं उन्हें साफ साफ मना कर दूंगी, कह दूंगी कि तुम उनके साथ नहीं जाना चाहते। ठीक है, आप उन्हें कह दीजिएगा, मैं अपना गेम खेल रहूंगा। अगर वो तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुलाएं भी ना, पुकारें तो नीचे मत आना, गेम खेलो। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ, ये दरवाजा तुम पे नहीं खुलेगा। तुम होती कौन हो ये कहने वाली? ये घर मेरा है, मैं कह रही हूं कि ये दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैं कौन होती हूं? मैं इब्राहिम की होने वाली बीवी हूं, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और यहां तक कि तुम्हारा बेटा अयान भी तुम्हारे साथ पहुंचना चाहता है, इसीलिए तुम्हारा जाना ही यहां से बदल। झूठ बोल रही हो तुम, मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा, लेने आई हूँ मैं उसे, वो जरूर जाएगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। चली जाओ यहाँ से। मैं अपने बेटे को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? मैं नहीं खोलूंगी क्योंकि इब्राहिम ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप, और उन्होंने मुझे खास तौर पर समझाया है कि मैं किसी के लिए दरवाजा ना। ये घर मेरा है, बीवी हूँ मैं इब्राहिम की, दरवाजा खोलो। तुम ये घर छोड़ के जा चुकी हो, इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं लग, चली जाओ। खोलो दरवाजा, खोलो, मारो खदेड़ो, खोलो दरवाजा। अयान, अयान, अयान बेटा, देखो तुम्हारी मामा आई है तुम्हें लेने।
पास शायान। क्या मामा चली गई? हाँ। आनी, मामा की आवाज आई थी लेकिन मैं फिर भी नहीं गया। तुम बहुत अच्छे हो। आनी देखे ना, मैं बार बार हार रहा हूँ, आप मदद करें। अब तुम कभी नहीं हार सकते, मैं तुम्हारे साथ। इस बात का क्या मतलब था? तुमने मेरा फ्लैट किसी और को कैसे दे दिया? तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास ये करने का बिल्कुल इख्तियार नहीं था। देखो भाई, मेरी बात सुनो, तुम्हारी ये वजाहतें मुझे बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है, समझे तुम? मैं अपने फ्लैट की सारी किस्तें बहुत पहले अदा कर चुका था। मुझे मेरा फ्लैट इसी हफ्ते मिल जाना चाहिए कागजात समेत। अगर तुमने इस हफ्ते मुझे मेरा फ्लैट वापस नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे पे कानूनी कार्रवाई करूंगा, जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अल्लाह हाफिज। यस, कम इन। मैंने सोचा आज ऑफिस में आपका पहला दिन है, तो क्यों ना अपने हाथ से ही आपके लिए चाय बना के ले आऊं। आपका बेहद शुक्रिया फरखंदा। कोई बात नहीं, मुझे बेहद खुशी है कि आपने ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पहले भी आपके साथ काम करके बहुत खुशगवार गुजरा वक्त। अब भी उम्मीद है कि आगे वक्त अच्छा गुजरेगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मुझे वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा, जब आपने दिलावर जैसे आदमी के खिलाफ मेरी मदद की थी। वो तो मेरा फर्ज था, इट वॉज नथिंग। एक बात कहूं आपसे मैं? जी जरूर। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, मुझे जरा काम। अरे कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर तो बैठे ना, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है, कुछ बैठ के गपशप करते हैं, बातें करते हैं। नहीं इब्राहिम सर, मैं चलती हूँ, मुझे काम बहुत है। खुदा हाफिज। भाभी आप हौसला रखिए, घबराइए मत, मैं बात करता हूँ इब्राहिम से। इब्राहिम से क्या बात करेंगे? सारी फसाद की जड़ तो वो औरत है, उसने मेरी बेचारी हिजाब का इतना बुरा हाल किया, इतनी खौफजदा हो गई, अब ड्रोने ख्वाब आते हैं उसको। और मुझे तो यूं लगता है जैसे ना वो मेरी हिजाब पर तशद्दुद भी करती थी, इसलिए उस बेचारी का ये हाल हो गया। तौबा अस्तग़फ़ार। बच्चों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करने वाले दो जख्मी हैं। हिजाब का कहना है कि वो कोई आम औरत नहीं है। क्या मतलब? इसे तो हिजाब बच्ची है, उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन उसके वो चुड़ैल है। ये बात हिजाब ने खुद आपसे कही? जी, वो कहती है कि उसने उसका असल रूप भी देखा है, बल्कि उसका तो ये भी कहना है कि अम्मी को भी उसी ने मारा है। नासिर भाई। जी भाभी। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, अयान कैसा है और इस बारे में उसका क्या ख्याल है? उसी से तो मिलने गई थी, लेकिन उस औरत ने मुझे उससे भी ना मिलने दिया। मेरा ख्याल है उसने अयान को घर में किसी कमरे में बंद कर दिया था,
रेहान की सूरत तक नहीं देख सकी। अपने ही घर के दरवाजे पे टकरे मार मार कर वापस चली आई। बहुत बुरा हुआ, मुझे इब्राहिम से इतनी सफाकी की तवक्को हरगिज न थी। अपने ही घर के दरवाजे बंद कर दिए उसने मुझ पर। भाभी बताए क्या करूं मैं। अब बेफिक्र हो जा, मैं जाता हूँ इब्राहिम के पास और बात करता हूँ उससे, और साथ साथ उस लड़की से भी। अगर हो सका तो मैं यान को वहां से लेकर आपके पास पहुंचा दूंगा। आप इत्मीनान रखिए और घर जाइए। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं चलती हूँ। आप मेरी बहन, उससे जो हो सका मैं आपके लिए वो जरूर करूंगा। आप मुझे फोन पर आगाह कर दीजिए। बेहतर, मैं चलती हूँ। आइए, मैं कुछ छोड़ा। ना जाने क्यों आप जब गए थे तब मेरे दिल ने मुझसे कहा था कि आप दोबारा आएंगे, और देखें वही हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं दोबारा आकर? बहुत अच्छा। वैसे एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। कहिए। जिंदगी में बहुत सी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए। आप समझ तो गए होंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। एनीवे अच्छा हुआ आप आ गए, वरना अभी मैं आपको फोन करके बुलवाने ही वाला था। मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितनी रकम? 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख? जी। मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतनी ज्यादा रकम की जरूरत है। मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी रकम नहीं होगी। अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूं। देखिए जमशेद साहब, अब मैं वापस आ चुका हूं, और वापस आने पर हमदानी साहब से यह तय हुआ था कि आप और सलमान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर मैं कोई एतराज ना करूं। तो मेरे एतराज ना करने पर कुछ तो मिलना चाहिए ना मुझे, जिस तरह आप लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ जी, होटल वाले प्रोजेक्ट से मुझे मेरा कमीशन तो मिलना चाहिए। समझ तो गए होंगे ना आप। आपके इल्म में होना चाहिए कि कमीशन का सारा हिस्सा हमदानी साहब के जरिए जाता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए। आई एम श्योर ही वोंट रिफ्यूज। ठीक है, मैं आपका ये मुतालबा हमदानी साहब तक पहुंचा दूंगा। हो सकता है ये मंजूर कर लें। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक सेकेंड, आप हमदानी साहब को बता दीजिएगा कि मुझे इस रकम की फौरन जरूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स को इसके बारे में कुछ पता ना चले, तो ये रकम मेरे अकाउंट में फौरन ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है। मामा आप कभी वापस नहीं आएंगी? अगर वो समझदार होंगी तो आइंदा कभी नहीं आएंगी, और अगर आ भी गई तो ऐसी खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। Thank you.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम पापा. How are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा. भाई साहब एक बात तो बताइए मुझे, ये बाहर गमला आपने तोड़ा? आलिया आई थी, उसने किया है सब. क्यों? वो अयान को अपने साथ लेके जाना चाहती थी. मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, दरवाजा लॉक कर दिया. बस इसी वजह से उसने पहले तो मुझे और आपको बहुत बुरा भला कहा, फिर तोड़फोड़ की. अच्छा. मैं बहुत डर गई थी कि अगर वो अयान को अपने साथ ले गई तो मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी. बस इसीलिए मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया. अयान जी. पापा, क्या आप मामा के साथ जाना चाहते थे? नहीं पापा, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ. That's like a good boy. शाबाश, शाबाश. वैसे आप ही, मुझे इब्राहिम भाई से ये तवक्कु नहीं थी. मतलब आपको आपके बेटे से ही मिलने से रोक रहे हैं? हद होती है. मुझे नहीं था अंदाजा कि वो तमाम हदें पार करके इस कदर जालिम हो जाएंगे. जब बेशर्मी है ये. हाँ ऐसा ही है. कौन समझाए. अच्छा आपने हिजाब से तो इस बारे में कोई बात नहीं की? नहीं नहीं, उसे बताकर मैं क्यों परेशान हूँ. ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया. लाए मैं मदद कर दूँ कुछ? अच्छा मैं सोच रही हूँ पकौड़े तल्लू मिर्चों वाले, निगत खाती है? हाँ खा लेगी, पूछ ले उससे. कहाँ है निगत? ऊपर है. अच्छा मैं उससे पूछ कर आती हूँ. अवतार का वक्त हो रहा है, मैं मिर्चों वाले पकौड़े तल रही थी, तुम्हारे लिए भी तल दूं? आपको बड़ी फिक्र है मेरी और मेरी अवतारी की. हाँ फिक्र हो रही है, क्यों नहीं होगी. लेकिन लेकिन क्या ये कि इस वक्त मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है, जानती तो हो तुम सब कुछ. मुझे हमदर्दी है आपसे, लेकिन आप एक पढ़ी लिखी बाशऊर औरत है, तो आपको तो हर हाल में इब्राहिम भाई का साथ देना चाहिए था ना, ना कि उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर आ गई. अकेला नहीं छोड़ा मैंने. ये मत भूले कि उस लड़की को उस घर में लाने वाली भी आप ही थी, इसीलिए वहां से उसको निकालने की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती. मगर नहीं, हालात से लड़ने के बजाय यहाँ आके बैठ गई. तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम हो रही है? हाँ मेरी प्राइवेसी खराब हो रही है, मेरी अपनी पर्सनल स्पेस ही नहीं बची कोई. ठीक है मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेती हूँ. मेरा मतलब है कि आप. नहीं इट्स ओके निगर, आई अंडरस्टैंड. मैं और मेरी बेटी तुम पर बोझ बन गए ना, हमारा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा.